सोलन के अरुण भारद्वाज को अफ्रीका में उनके सामाजिक सेवाओं के चलते फ्रेंड और अफ्रीका अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि अरुण भारद्वाज विश्व में प्रेरक बनकर सही राह दिखा रहे हैं और उनके जीवन को एक दिशा दे रहे हैं। अरुण टॉप की मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उनके बेहद करीब मित्र की डिप्रेशन में हुई मौत ने उन्हें अंदर तक झिझोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये प्रण लिया कि वे अपने मित्र की तरह किसी को मौत का ग्रास नहीं बनने देंगे और तब से वे प्रेरक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सोलन के अरुण भारद्वाज को अफ्रीका में उनकी सामाजिक सेवाओं के चलते फ्रेंड और अफ्रीका अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि अरुण भारद्वाज विश्व में प्रेरक बनकर सही राह दिखा रहे हैं और उनके जीवन को एक दिशा दे रहे हैं। अरुण टॉप की मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन उनके बेहद करीब मित्र की डिप्रेशन से हुई मौत ने उन्हें अंदर तक झिंझोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये प्रण लिया कि वे अपने मित्र की तरह किसी को मौत का ग्राहक नहीं बनने देंगे और तब से वे प्रेरक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब वे विश्व के कोने कोने में जाकर लोगों को न केवल डिप्रेशन से निकालते हैं बल्कि उन्हें जीवन जीने की नई राह दिखाते हैं और उनके बेरंग जीवन में रंग भी भरते हैं। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कार्यालय और विदेशों से उन्हें बुलाकर उनसे जीवन को सही रूप से जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। अरुण क्योंकि सोलन से हैं, इसलिए वे हिमाचल के लिए विशेषता युवाओं और पद से भटके लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सोलन में प्रेस वार्ता पर ये बताया कि जल्द हिमाचल के युवाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे। मोटिवेटर अरुण भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो उन्हें सही राह दिखाने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शक जो उनके अध्यापक होते हैं उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि जो युवा हिमाचल से बाहर जाएं वे प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे न रह जाएं, आधुनिक शिक्षा उन्हें दी जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आज युवा वह जानना चाहता है कि जो ज्ञान इंटरनेट पर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें फिर से गुरु ज्ञान लेने की जरूरत है जो पहले आचार्यों से मिलता था, जिनका अनुसरण कर हम संस्कार और शिक्षा दोनों ग्रहण करते थे। सी हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो अवेयरनेस है और उस अवेयरनेस का सही समय पे यूथ तक पहुंचना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जो गैप है उसको ब्रिज करने की जरूरत है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे हम लोग उन तक जाएं। एक तो ये जो मनोविज्ञान है उसको समझाने की ज़रूरत है कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं क्यों लेते हैं, और दूसरा जो पॉसिबिलिटीज़ अब वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं ये अपने यूथ तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हमको उनको एम्प्लॉई ही बनाना है, वो एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ नौकरी पाने के चक्कर में ही रहते हैं, अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो नौकरियाँ क्रिएट करने वाले हमें यूथ क्रिएट करने हैं हिमाचल में भी। और हिमाचल से बढ़िया आईटी को ग्रो करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का क्लाइमेट है वो सूटेबल है आईटी की ग्रोथ के लिए। जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत लिमिटेड चाहिए, सिर्फ आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, और उसके बाद अब हमारे पास टैलेंट इतना है, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है कि लोकल टैलेंट भी बहुत मिल जाएगा हमें। ओनली थिंग इज़ कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें हम ये अवेयरनेस यूथ तक और जो उनको मेंटर कर रहे हैं टीचर्स उन तक पहुंचा सकें। मेरे ख्याल ये यूथ से पहले हमें जो यूथ को गाइडेंस दे प्रोवाइड करने वाले लोग हैं ना, हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनमें भी ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, उनको भी इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो टीचर्स को टीच करना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में? अगर मैं आपको टीचिंग का प्रोसेस बताऊँ तो ये अब अनलर्निंग, रीलर्निंग, लर्निंग, ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय इतना जल्दी से चेंज हो रहा है। बच्चे कई बार पूछते हैं, मुझे टीचर्स ने बताया, वो पूछते हैं कि हम क्लासरूम में आए क्यों, आप ऐसा क्या बता रहे हो जो मुझे ऑलरेडी ऑनलाइन नहीं मिल सकता। तो जो अनलर्निंग एंड रीलर्निंग ऑफ टीचर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इससे पहले हम बच्चों को चेंज कर सकें, जो उनको इंस्पायर करने वाले हैं उनको परिवर्तन उनमें लाना बहुत ज़रूरी है, उनमें आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो पुरातन में कहा गया था ना, टीचर को क्या कहते थे, गुरु नहीं कहते थे, एक्चुअली आचार्य कहते थे, कि उनके आचरण से लोग सीखें। तो वो चेंज देख लीजिए कहाँ पे पहले आना चाहिए। एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनने की ज़रूरत है जिसमें हम जो जो टीचिंग है और जो एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, वो एनवायरनमेंट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जब मैं तो साउथ में रहता हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचओडी के साथ। नमस्कार।